Hello everyone, welcome to the Unacademy app. So guys, let's start with the today's class. आज की जो है ये आपका special session है यहाँ पे. और क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, तो जो लोग YouTube से आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो यस, वेलकम यू गाइज इन Unacademy. और जहाँ पे भी चीजें जैसे भी हैं आप पूछ लीजिए फटाफट. मैं 2 मिनट में ना आपको सारा टाइम टेबल बता दे रही हूँ मेरी क्लासेस का, ताकि आप जो भी क्लासेस वगैरह हैं उसको फॉलो कर सकते हो. सबसे पहले अनअकैडमी पे अभी आपकी ये सिंगल क्लास चल रही है जिसको 6 to 7 हम कर रहे हैं. यहाँ पे 6 से 7 बजे इसकी क्लास डेली होगी और इसका नोटिफिकेशन वगैरह का ज्यादा आप लोग वेट नहीं करा करिए. सीधा 6 से 7 बजे आप अनअकैडमी पे आ जाइए. पहले बताइए आपको आवाज सुनाई दे रही है सबको, वॉइस ठीक है, मतलब मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रही है आपके पास, वॉइस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज ठीक है सबके लिए यहाँ पे? एवरीथिंग इज क्लियर राइट? देखिए सबसे पहले 6 से 7 बजे आपकी अनअकैडमी पे क्लास होती है यहाँ पे. तो अनअकैडमी पे आप साइंस का जो सिलेबस है वो मेरे साथ कंप्लीट करोगे यूट्यूब के साथ साथ. तो यूट्यूब पे जो आपकी क्लास है वो तो है ही आपकी 8:30 to 9:30 यहाँ पे सुबह में 8:30 बजे से लेके 1 घंटा आपकी 9:30 बजे तक YouTube पे क्लास होगी. और उसी क्लास का सेकेंड पार्ट जो है वो आपका अनअकैडमी पे 6 से 7 जैसे है वैसे होता रहेगा, बराबर है? हमने जो जो टॉपिक्स हैं उसको डिवाइड कर दिया है, दैट इज कुछ टॉपिक हम YouTube पे कवर कर रहे हैं, कुछ टॉपिक हम अनअकैडमी पे कवर कर रहे हैं. इसका रीजन ये है कि हमको सिलेबस जो है ना वो 2 से 3 महीने में कंप्लीट करना है. अगर मुझे 3 महीने में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, तो अगर ये चीज है तो मैं मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डबल क्लासेस लेके चलनी पड़ेंगी. इनफैक्ट हो सकता है आगे के कुछ दिनों में आपके लिए और ज्यादा क्लासेस जो है ना वो भी इंक्लूड यहाँ पे हो जाए. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो यूट्यूब की क्लास में हो रहा है. आज हम सेल का स्ट्रक्चर वाले पार्ट तक पहुंचे हैं. आज जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज करके इससे पहले की जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी जोड़ के रखिए, उनको पढ़िए. वीर देखो, नोट्स आपको पर्टिकुलरली बनाने की ऐसे जरूरत नहीं है कि मैं डिक्टेट करूं और आप लिखो, ऐसे नोट्स नहीं बनाइए. आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको रफली पेज पेपर लेके उसको नोट करते रहिए. हर चीज की जो पीडीएफ है वो आप सीधा सीधा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको ना तो मुझसे पीडीएफ मांगने की जरूरत है आप लोगों को, और ना ही आपको, मतलब ये अनअकैडमी की ऐप पे आप सेल्फ सफिशियंट हो, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप सीधा जो है ना वो आप पीडीएफ जो है वो अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. ज्योग्राफी की क्लासेस अभी नहीं हो रही है. ज्योग्राफी की क्लासेस आपको 7 बजे से 8 बजे यूट्यूब पे क्लास चलती है, वहां पे हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन कर रहे हैं. नहीं जी, इसकी जो पीडीएफ है वो आप अपने आप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. यूट्यूब की क्लास की जो टाइमिंग है वो 8:30 से 9:30 बजे है वाईफाई स्टडी के चैनल के ऊपर, राइट. उसके अलावा जो आपको अगर करंट अफेयर करना है या स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, या उसके अलावा आपको जो भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है उसके लिए आप मेरी 2 क्लासेस फॉलो कर सकते हो. एक है सुबह 6 बजे, उसमें अमूमन बच्चे आते नहीं है 6 से 7 वाली क्लास में क्योंकि ज्यादा जल्दी हो जाती है. और दूसरा जो है वो आपका है शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है, शाम को 7 से 8 बजे तक. तो ये सारी टाइमिंग है, एक बार आप नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए. साइंस का सेल वाला जो चैप्टर है उसको हम कर रहे हैं यहाँ पे. एंड प्लीज बी रेगुलर, कहीं मुझे कभी भी ये बोलना ना पड़े आपसे कि इस क्लास में आ जाइए. और ये अभी स्टार्टिंग का है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग ज्वाइन करिए. अच्छा, सबसे पहले बताइए इस टेबल को जो हमने कल की क्लास में किया था, आप में से जो लोग हैं वो यहाँ पे कल की क्लास में इनमें से कोई पॉइंट दोबारा रिवाइज करना है. देखिए सबसे पहले अगर हम कोशिका, यहाँ पे अगर हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं, या मैंने आपको बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में अगर हमको डिफरेंस पता करना है, तो जो कोशिकांग या ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरीके से अपना डिफाइन कर सकते हैं. तो जो हमारी कोशिका भित्ति होती है यानी कि जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास मौजूद होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी, और प्रोकैरियोटिक की जो सेल भित्ति होती है यहाँ पे वो हमारी अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की जो कोशिका होती है वो आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है. किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है. उसके अलावा जो बॉडी प्रोकैरियोटिक की होती है वो काफी सिंपल होती है. जैसे अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बॉडी काफी सिंपल होती है, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो बॉडी जो है वो क्या रहती है, थोड़ी सी यहाँ पे
कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, बॉडी जो है वो क्या रहती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है थोड़ी सी। अब प्लाज्मा सेल की या प्लाज्मा की हम बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको कभी कभी हम प्लाज्मा फ्लूइड भी बोल देते हैं। तो जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है वो हमारा हमारा जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है वो उपस्थित होता है, सिंपल होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी फाइंड नहीं होती हैं वो आपको याद रखना है कि अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करते हो तो प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ईआर प्रेजेंट नहीं होता है, गॉल्गी बॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, लाइजोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास, उसके अलावा न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे टिक करी हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई नहीं जाती हैं, बराबर है, यानी कि यूकैरियोटिक में ये पाई जाती हैं। अब जो पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं उनकी बात करते हैं। पहला दूसरा हमने डिस्कस कर लिया, जरा बात करते हैं 10th पॉइंट की। 10th पॉइंट क्या है? केंद्रक रस। केंद्रक रस का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस सेल के अंदर के जो न्यूक्लियस में अगर उसके फ्लूइड की हम बात करेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो जब किसी भी प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म अलग से होगा ही नहीं। इसीलिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि से भिन्न नहीं है, मतलब इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, राइट। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक के सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में इट इज क्वाइट डिफरेंट, करके याद रखना है। यस, न्यूक्लियस फ्लूइड अभिषेक इसको बोलते हैं। अब आते हैं 11th पॉइंट पे, जो आप में से कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं, भैया 11th पॉइंट क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। हालांकि इसको डिटेल में किया है हमने लास्ट क्लास में, मैं फिर भी एक मिनट लेके यहाँ पे बता देती हूँ कि अनुवांशिक, देखिए सबसे पहली तो बात ये कि आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा तभी चीजें ना आपको समझ आएंगी। अगर आप पहले दिन आओगे और आपको समझ नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप एक क्लास लोगे, दूसरी नहीं लोगे, या यूट्यूब लोगे, फिर अन अकेडमी लोगे, फिर यूट्यूब लोगे, फिर, तो आपको समझ नहीं आएगा। बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट, तभी चीजें जो है ना वो आपको समझ आएंगी, ठीक है। जो लोग आज पहली बार आए हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोनों जो चीजें हैं उनमें आइए, दोनों क्लासेस में आइए, तभी ज्यादा चीजें समझे। एग्जैक्टली, देखो नेहा बोल रही है ना, रिवाइज करके आया करो, थोड़ी सी चीजों को अपने लेवल पे भी किया करिए, सारी चीजें आपको समझ आएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सारी क्लासेस आप फॉलो करिए, साइंस आपकी 3 महीने में बहुत बेहतरीन हो जाएगी, राइट। चलिए हम बात कर रहे हैं अनुवांशिक पदार्थ की। तो सबसे पहली अनुवांशिक पदार्थ जो है वो हमारा क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ हम बोलते हैं हेरिडिटरी यूनिट्स के लिए। नाउ जस्ट फॉर 30 मिनट्स लेट्स म्यूट द क्लास, मतलब जो क्लास है उसकी चैटिंग ऑफ करते हैं, नहीं तो आप लोग जो है ना वो किसी भी तरीके से यहाँ पे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लोगे। फॉर 30 मिनट्स हम चैट को ऑफ कर रहे हैं, आप पहले पढ़िए आराम से, उसके बाद वापस जो है ना वो हम चैट ऑन करेंगे। सो आस्क द क्वेश्चन लेटर ऑन, तब तक आपसे थम्स अप करके मुझे बताते रहिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। हेरिडिटरी यूनिट यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, इसको अभी इस पॉइंट पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एकदम ध्यान से सुन लीजिए ताकि आगे कभी इसको जरूरत ना पड़े पढ़ने की दोबारा। देखिए हेरिडिटरी या अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर मौजूद है या जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी के अंदर मौजूद है या इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, उन सारे जीवधारियों के लिए एक चीज आप याद रखिए कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक होता है वो दो चीज होती है। एक तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल, यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, या कोशिका करके जिसे बोलते हैं, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। उसके अलावा इस सेल के अंदर पाए जाने वाला हेरिडिटरी यूनिट या अनुवांशिक पदार्थ, जो कि या तो डीएनए के फॉर्म में होगा या आरएनए के फॉर्म में होगा, ये दो चीजें जो है ना वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं या दर्शाती हैं, जिसमें से डीएनए आरएनए जो है वो हमारे क्या बोले जाते हैं? अनुवांशिक पदार्थ या हेरिडिटरी यूनिट बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के ही डिफरेंसेस की, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। अब देखो ये जो डीएनए आरएनए हैं उनमें से आप लोग को एक चीज याद रखनी है कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि 93% से ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है, 93% से ज्यादा मैं
इसको बता रही हूँ, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की परसेंटेज मैंने यहाँ नहीं बताई है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 93% ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं डीएनए ही मौजूद होता है, और इस अर्थ पे केवल 4 से 5 बैक्टीरिया नंबर के हिसाब से, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, नंबर के हिसाब से आरएनए भी किसी किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे वायरसेस हैं, जितने भी हमारे विषाणु होते हैं, हालांकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एटमॉस्फेयर में है तो आप जिंदा नहीं कहते हो उनको, मृत कहते हो, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो याद रखिए कि जो हमारी मृत कोशिका होती है या मृत जो हमारा सेल है, वहां पे भी जो वायरसेस हैं वो आपके आरएनए को रखते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जब आप डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हो तो आप लोग को याद रखना है हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करेगा। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जितने भी आप यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हो, उन सब के अंदर डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करेगा। इस पॉइंट को अभी यहीं पे छोड़िए, क्योंकि डीएनए और आरएनए की हमारी जो क्लास है वो फिर से डिटेल में होने वाली है, तो उसके लिए वहां पे छोड़ दिए। मेरे ख्याल बाकी सारे पॉइंट्स जो 14 है वो आपको क्लियर है। सेल की हम बात कर रहे थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको शो किए थे आज की क्लास में। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ सेल की भी मैं बात करूं कि कोशिका की जो संरचना होती है वो किस तरीके की होती है, तो वाटर जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 70 से 85, है ना, 85 हम बोलते हैं, तो 70 से 85% जो है वो हमारे पास क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर वाटर मौजूद होता है, यानी कि किसी कोशिका में अगर पानी मौजूद होगा तो 70 to 80%। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी परसेंटेज कितनी है, 72%। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पानी की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 72% होती है, यानी कि 72% जो है वो यहाँ पे बोली जाती है, राइट। उसके अलावा शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीजें हो गई, और 10 से 12% जो है वो इसमें प्रोटीन होता है। तो 85% अगर मैं मैक्सिमम भी लेके चलूं तो 10% जो है ना वो इसमें क्या होगा, प्रोटीन पाया जाएगा। ये हो गया 95% यहाँ पे, और 5% जो है वो इसमें बाकी का हिस्सा है, जैसे कि सॉल्ट हो जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स हो जा रहे हैं। जब भी हम सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे तो हमारा पहला, अच्छा इसके लिए मैंने क्लास में, लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया था, लेकिन एक बार वापस से डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सेल, और सेल के अंदर की जो चीजें होती हैं आप उसको क्या बोलते हो, सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग करके बोला जाता है, ठीक है। अब चाहे आप सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात करो, जो कि माइकोप्लाज्मा है, जिसका साइज 0.1 न्यूमीटर होता है, तो अगर 0.1 न्यूमीटर आप किसी सेल का साइज बता रहे हो तो ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप से तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो 0.1 न्यूमीटर जो है वो आपका एक सबसे छोटा सेल होता है। लेकिन हम सबसे छोटे सेल की बात ना करके हम अपने बॉडी की अगर सेल की बात करें, या मैं एक नॉर्मल एवरेज सेल की बात करूं, मैं प्लांट सेल हटा दूं, अभी एनिमल सेल की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं एक नॉर्मल सेल की बात कर रही हूं, नॉर्मल जो हमारा सेल होता है, तो नॉर्मल सेल के लिए अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और जो उसका बाकी का जो मैटर है, जो जो चीजें हमें आगे पढ़नी है उनके लिए, देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। क्या होता है, कोशिका झिल्ली। देखिए अब इसको बार बार हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लिखेंगे अब आगे पीएम, राइट, या सेल मेम्ब्रेन सीएम, राइट। तो पीएम सीएम करके याद रखिए, ये होती है हमारी कोशिका झिल्ली, और ये हमारे किसी भी सेल की सबसे बाहर की चीज जो है वो बोली जाती है। साथ में मैं स्ट्रक्चर्स भी बनाती जाती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कोई सेल है, इसके बाहर में सबसे क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या कर रही है, सेल को सबसे पहले तो इसके आउटर एनवायरमेंट से अलग कर रही है, देख रहे हो आप, इसके बाहर का जो एनवायरमेंट है ये वाला, उससे इसको कंप्लीटली अलग कर रही है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल के घुसते के साथ ही, ये हमने कर लिया था यहाँ पे, तो याद रखिए। उसके बाद अंदर की तरफ जो है दूसरा जो ऑब्जेक्ट है या दूसरी जो चीज है वो है आपकी साइटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य इसको हम बोलते हैं। अच्छा, जो जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज करके जिन भी ग्रुप से आप आए हो उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे ना काफी इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन भी करने वाले हैं। मैं बहुत जल्दी आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी एक बैच जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ,
स्पेशल पे ही। तो प्लीज करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सारे के सारे बच्चे, और ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए जो आपके यूट्यूब जो वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लगे, ताकि मैं फटाफट से केमिस्ट्री और फिजिक्स कब शुरू करने वाले हैं स्पेशल क्लासेस में, फ्री सेशंस में, ये भी आपको पता लग जाए। ठीक है, साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेकंड चीज, यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप जैसे ही घुसते हो आपको दूसरी चीज जो नजर आती है वो क्या नजर आती है, साइटोप्लाज्म। और देखिए अभी कई सारे बच्चे जो है ना रेगुलरली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं पीछे का रिवाइज करते जा रही हूँ, नहीं तो अगली जब क्लासेस कुछ हो जाएंगी फिर आप पीछे का अपने आप रिवाइज करोगे, फिर अगली क्लास से ना हम ये 5-10-15 मिनट जो है वो नई चीजें करने में लगाएंगे या क्वेश्चंस को करने में लगाएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर आओगे तो क्या रहेगा, न्यूक्लियस या केंद्रक, जिसको हम क्या, अच्छा ये बताइए जल्दी से, न्यूक्लियस या केंद्रक का जो हमने लास्ट क्लास में नाम बोला था वो कितने बच्चों को याद है और मैंने क्या बताया था, इसका जल्दी से आंसर करिए और उसके बाद हम चैट ऑफ कर देंगे। जल्दी से बताइए न्यूक्लियस को हम और क्या नाम से जानते हैं, बताइए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द न्यूक्लियस या अदर टू नेम ऑफ द न्यूक्लियस। यस एग्जैक्टली एनएमटी शाहू, ब्रेन जो है वो याद रखिए सोनू, बिल्कुल ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है इसको, हम सेल का मस्तिष्क बोलते हैं। उसके अलावा मैंने एक और नाम बताया था, एक तो ब्रेन ही बताया था, दूसरा हमने दूसरा नाम एग्जैक्टली यहाँ पे हेडक्वार्टर्स करके भी याद रखिए। देखिए हेडक्वार्टर मैंने कोई वैसे नहीं बताया था कि मैं वो एक्सप्लेन करी थी, नहीं, न्यूक्लियस को वास्तव में हेडक्वार्टर बोला जाता है, सेल का हेडक्वार्टर न्यूक्लियस को हम बोलते हैं, इसलिए दोनों चीजें याद रखिए, कभी आपको हेडक्वार्टर भी पूछा जाए तो भी आप लोगों को याद रखना है कि कैसे किसको हम क्या डिटरमाइन करते हैं। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से रिलेटेड हमारा ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक से रिलेटेड गॉल्गी बॉडीज हो गए। अब ये सारे नाम आपने सुने होंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगर आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है सेल तो ये सारे नाम आपने से पेपर में या ऐसे कुछ पढ़े होंगे एग्जाम में, आज इनको हम डिटरमाइन करने वाले हैं और अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो एंडोप्लाज्मिक हो गया, गॉल्गी बॉडीज हो गए, उसके अलावा लाइसोसोम्स हो गया यहाँ पे, लाइसोसोम्स के अलावा, अब ये सारी जो चीजें हैं जितनी मैंने अभी तक लिखी हैं ये सारी हैं मेरी कोशिकांग जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ये चीज बराबर है। सेल साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ईआर हो गया, ईआर पे चिपके हुए राइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम से थोड़ा सा पीछे हटे या ईआर से थोड़ा सा पीछे हटे तो गॉल्गी बॉडीज हो गई, गॉल्गी बॉडीज से थोड़ा सा पीछे हटे तो हो गया लाइसोसोम्स, राइट। अब देखो इतनी चीजें क्लियर है, ये सारे हैं सेल ऑर्गेनल, हम इनको इसी सीरीज में पढ़ेंगे इसलिए भी मैं लिखवा रही हूँ, तो आप इसको नोट कर सकते हो अगर आप में से कोई नोट कर रहा है तो। इतनी चीजें हुई, इसके अलावा ऑर्गेनल्स हैं क्या कोई, बिल्कुल है, इसके अलावा भी सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि अगर हम इसके अदर ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो अब मेरे पास क्या क्या बचेगा, अब आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं आपको कई बार ये चीज बोली हूं कि अगर ये नहीं होगा तो शायद ह्यूमंस की या एनिमल्स की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ इम्पॉसिबल है। आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक एसेसरी पार्ट बोल सकते हैं जो कि है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन शायद ये अगर इंसानी शरीर में नहीं होती या किसी भी जीवित चीज में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती तो शायद बॉडी को काम करने की पॉसिबल, या तो कुछ और ऑप्शन होता हमारे पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता तो शायद लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोला जाता है कि इट इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स अपीयर ऑन द अर्थ। दो क्वेश्चन यहां से आपको आते हैं, एक तो ये आता है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हुआ था, अगर मैं आपको ब्रॉड वे से पूछूं तो पहली जीवित चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे थी। अच्छा अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन फॉर्म में कुछ पूछती हूँ तो आप मुझे फटाफट थम्स अप कर दिया करो, क्योंकि मुझे आपके थम्स अप दिखाई दे रहे, चैट सबने ऑफ करी है ताकि हम पढ़ लें। अगर मैंने कुछ पूछा और आपको उसका आंसर पता है तो फटाफट से थम्स अप कर दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म पहला कौन सा है, तो बैक्टीरिया करके आप याद रख सकते हो कि बैक्टीरिया यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। तो जीवाणु जो है वो पहली चीज है जो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थी, जीवाणु। दूसरी चीज हम क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पहला सेल ऑर्गेनल कौन सा था, या पहले सेल का ऐसा कौन सा पार्ट था जो कि इस पृथ्वी पे सेल के आने से पहले था। देखो जीवाणु लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स के आने से पहले था, उसी तरीके से सेल ऑर्गेनल सेल के आने से पहले था।
माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल के आने से पहले था। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको समझ आ गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पौधे और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास और चीजें क्या हमें जो पढ़नी है वो है एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जिसको हम हरित लवक कहते हैं, हरित लवक, राइट। बहुत बेहतरीन तरीके से ना मैं आपको क्लोरोप्लास्ट समझाऊंगी, बहुत मजा आएगा आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हुए या माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हुए। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हो गया। तीसरी चीज यहाँ पे आपको पढ़नी है, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हम ना प्लास्टिड्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सारे प्लास्टिड्स हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पढ़ लेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट पार्ट आप इसमें पढ़ोगे वो होगा क्रोमोसोम्स, राइट। तो क्रोमोसोम्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हम जेनेटिक वाले पार्ट में पढ़ेंगे। सारी चीज बराबर है, बिल्कुल दिमाग के टॉप वाले फ्लोर में सारी चीजें भर चुकी हैं। अब जरा आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सबसे पहली बार 1972 में, याद रखिए 1972 में, दो साइंटिस्ट जिनका नाम था सेंगर एंड निकल्सन, बहुत ही मेहनती साइंटिस्ट सेंगर एंड निकल्सन, जिनने सेल की मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करा कि जो फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे बनी होती है, किस चीज की बनी होती है और क्या ये एग्जैक्टली फंक्शन करती है, काम करती है यहाँ पे। तो सेल मेम्ब्रेन याद रखिए, सबसे पहले कोशिका झिल्ली जो सेल में पाई जाती है वो दो चीजों की मिलके बनती है। एक होते हैं यहाँ पे लिपिड्स, हमारे पास बेहतरीन सुंदर से फैटी एसिड जो आपके शरीर में चाहिए होते हैं। कई बार मैंने आपको ये चीज बोली है ना कि हमारे शरीर को गुड फैट चाहिए, हमारे शरीर को बैड फैट नहीं चाहिए, हमारे शरीर को गंदा फैट चाहिए ही नहीं, हमको गुड फैट चाहिए। हमें ऐसा फैट नहीं चाहिए जो हमारी आर्टरीज में या हमारे कोलेस्ट्रॉल जैसा बन जाए और हमारी आर्टरीज में जमा होके हमारे हार्ट अटैक का रीजन बने। हमको ऐसा फैट चाहिए जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन को वुंड कर सके। तो आज के बाद ये याद रखिए कि जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जो लिपिड्स होते हैं उसको कौन सही करता है, उसको हमारे फैटी एसिड्स सही करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बनी होती है प्रोटीन की। हालांकि प्रोटीन्स का क्योंकि वजन ज्यादा होता है, फैट का वजन कम होता है, प्रोटीन को हम किलो डाल्टन में नापते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको केडी करके लिखा होगा ये चीज, और आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपका ये जो प्रोटीन है ना उसको कैसे मेजर करते हैं। तो आप प्रोटीन को किसे कैसे नापते हो, तो याद रखिए प्रोटीन को हम किलो डाल्टन में नापते हैं, केडी, ठीक है, किलो डाल्टन में। तो यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड्स पाई जाती है वो आपका रेशियो आपको याद रखना है, यानी कि अनुपात आप याद रखिए। प्रोटीन जो है वो 52% पाई जाती है और लिपिड्स पाई जाती है मात्र 40%, राइट। अब ये जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाए हैं। ओके राइट, इज इट ओके एवरीवन? ओके ओके ओके, एक बार को ठीक आ रहा है यहाँ पे सब कुछ, एक बार थम्स अप करके बता दो, सारी चीजें ठीक है यहाँ पे, सारी चीजें ठीक है ना? अभी ठीक है, अभी ठीक है। एक्चुअली आप लोग को पता होगा कि मतलब दिस इज क्वाइट सेट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, और शायद भारत के संविधान में पहली बार ऐसा हुआ होगा, मतलब काफी बार हुआ होगा लेकिन ऐसी चीज शायद पहली बार हुई है कि 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन हमको अपने शहीदों को याद रखना चाहिए या सरकार को भी ना चीजों को समझना चाहिए। आप लोग को पता होगा कि आज जो है ना वो आज जो है वो किसान आंदोलन इस रूप में आ गया है कि लाल किले पे कब्जा करा है, राइट, किसान आंदोलन की वजह से। तो दिल्ली एनसीआर के जो आप लोग में से कई बच्चे होंगे दिल्ली एनसीआर के, मेरे ख्याल तो दिल्ली एनसीआर के जो नेट है फोन के वो बंद कर दिए गए हैं कम्प्लीटली। तो कभी कभी थोड़ा सा सुबह से जो इंटरनेट है वो भी इशू जो है ना वो हो जा रहा है यहाँ पे, हल्का सा इशू, फ्लक्चुएशन थोड़ी सी हो रही है। बाकी यस, नेट जो है वो दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली के तो बंद कर ही दिए हैं प्रॉपरली यहाँ पे, ये थोड़ा सा इशू हो रहा है। यस क्या मतलब क्या ही बोले ना, इसके लिए वी कैन नॉट डू एनी पार्ट, गवर्नमेंट समझा नहीं पा रही है, लोग समझना चाह नहीं रहे हैं, या जो भी कंडीशंस हैं वो जितनी से जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाए ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मतलब ये आज नहीं होना चाहिए था, आज नहीं होना चाहिए था। सुबह वाली क्लास में भी इंटरनेट का इशू हो गया था कुछ, इसलिए नहीं यहाँ पे हुआ। मतलब ऐसा ना एटलीस्ट 26 जनवरी वाले दिन नहीं होना चाहिए था, दिस इज समथिंग बैड पार्ट ऑफ। अरे वाह क्या बात है, मोहम्मद जैद
शेख, इट्स नन ऑफ आर, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस एक्चुअली, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस। वाओ, हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में, देश में इतना सब कुछ हो रहा है और एक बच्चा आगे बोल रहा है इट्स नन ऑफ आर बिजनेस, इट्स एक्चुअली दिस सैड, राइट? जितना चीजें वहां खराब हो रही है इससे, ये देखो जरा। चलिए ठीक है, यहाँ पे वापस से हम जुड़ जाते हैं, शायद इट्स नन ऑफ आर बिजनेस, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स नन ऑफ आर बिजनेस। ओके, 52% और 40% के साथ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, तो ये हो गया आपका 92%। तो 8% जो है वो आपको याद रखना है, 8%, 8% स्टडीज आर बिजनेस। अच्छा, अगर स्टडी करके देश के बारे में सोची, अगर वो पढ़ाई किस बात की पढ़ाई है जब आप देश के बारे में कुछ सेंसिटिविटी जो है वो लेके ही नहीं आ पा रहे हो, ये बताओ। एक बार पढ़ाया पढ़ाया आपको इसलिए जाता है कि देखो, एक पढ़ाए पढ़े लिखे आदमी को ना समझाना इजी होता है थोड़ा सा ना इन चीजों को लेके। चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीजें पर्सनल मैटर पे काफी मैटर करती हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट एक्चुअली नोबडी हैज द राइट टू थिंक फॉर दिस। 82%, 92 जो है, 52 + 40 अगर हम बात करें तो 92 जो है वो हमारा प्रोटीन और लिपिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जा रही है यहाँ पे। अभी 8% क्या बचता है, तो एक चीज और याद रख लीजिए कि इन प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा जो हमारे पास, ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपको हरे रंग का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना? आपको छोटे छोटे ये वाले जो पीले रंग के स्ट्रक्चर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक पॉइंट याद रखिए कि जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की जब हम बात करते हैं, तो ये 92% यानी कि 52 + 40 तो हमारे पास है ही, लेकिन जो 8% हमारे पास बच जाता है वो 8% हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कितने लोग इस चीज को लिंक कर पा रहे हैं मुझे जरा ये बता दीजिए कि जब हम अपना खाना खाते हैं तो हम तीन चीजें खाते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, दूसरा फैट खाते हैं, और तीसरी चीज खाते हैं प्रोटीन, है ना? इसी के लिए हमने डाइजेशन सिस्टम में बात किया था, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, तीन चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो। एक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो भी किस चीज की बनी हुई है, वो इन्हीं तीन चीजों की बनी हुई है। अगर कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, यानी कि ग्लूकोज और एटीपी जो है वो आपके बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग ये याद रखिए कि जो प्रोटीन और फैट है वो आपके इस सेल को बनाने का काम कर रहा है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से तो आपके सेल के अंदर ही जाके ग्लूकोज और एटीपी जो है वो बनाया जा रहा है, और हमारे सेल के अंदर ही फैट एंड प्रोटीन जो है वो उसकी वॉल यानी कि उसकी भित्ति को बनाने का काम कर रहा है। तो अब आपसे कभी पूछते हैं यहाँ पे कि कभी भी ऐसा होता है कि फैट और प्रोटीन का अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन, तो सबसे पहला फंक्शन आप यही याद रखिए कि फैट और प्रोटीन हमारे सेल की मेम्ब्रेन को यानी कि कोशिका झिल्ली को बनाने का काम करते हैं। ओके, राइट। किस चीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है ये सबको क्लियर है, तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए और नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। मटेरियल्स को बाहर आने के लिए अनुमति देता है ये, इसीलिए हमारी सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य इसको बोला जाता है, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। एग्जाम में आपको आएगा कि जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका नेचर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे आंसर, सेमी परमिएबल ही लिखेंगे। अच्छा, सेमी परमिएबल क्यों बोलते हैं ये सबको समझ आ गया। देखो, एक सेल है, उस सेल के अंदर मान लीजिए कुछ कंटेंट है, ठीक है, कुछ कंटेंट है, कुछ यहाँ पे फ्लूइड है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ शुगर है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि जैसे ही आपके सेल के अंदर उसकी जो, अच्छा ये समझ लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार हम जब यूट्यूब पे क्लास लेते हैं तो ये पॉइंट समझाने में हम सक्षम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या रीजन हो जाते हैं बच्चों के साथ, है ना? आप देखो, एक सिचुएशन समझो, एक सेल, इसको जरा किशमिश, आप समझते हो किशमिश, जो खाने वाली किशमिश होती है, किशमिश मुनक्का ये वाली चीज, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। देखो, अगर एक पर्टिकुलर सेल की जो अंदर की मात्रा है, जैसे उसका फ्लूइड है, उसके सॉल्ट्स हैं, उसके शुगर है, अगर उस, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर डैश अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भरे हुए हैं, इसकी रेगुलर एक्टिविटी की वजह से या इस सेल की रेगुलर एक्टिविटी की वजह से क्या होगा कि ये जो सेल के अंदर का जो सामान है वो धीरे धीरे यूटिलाइज होने लगेगा या श्रिंक होने लगेगा, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा,
रिड्यूस हो जाएगा, कम हो गया। रिड्यूस को हम कहते हैं श्रिंक, क्या कहते हैं? श्रिंक। श्रिंक को हिंदी में क्या बोल दिया हमने? सिकुड़ना। क्या हो गया? सिकुड़ना, श्रिंकेज करके हमने बोला, राइट। अगर वही सेल अपने श्रिंकेज हो जाएगा तो यानी कि उसकी क्या हो गई यहाँ पे, उसके जो ओरिजिनल साइज है उससे बहुत ज्यादा ये रिड्यूस हो गया, जिसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, हम इसको क्या बोलते हैं? श्रिंकेज बोलते हैं, राइट। इन केस अगर सेल का ओरिजिनल साइज ये है और उससे ये छोटा हो जाता है तो सेल को फिर सर्वाइव करने के लिए मुश्किल होगा। छोटा होने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मात्रा घट गई है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो घट गया है। इस सिचुएशन को हम तीन नाम से जानते हैं। एक सिचुएशन होती है जिसको हम आइसोटॉनिक बोलते हैं, एक सिचुएशन होती है जिसको हम हाइपरटॉनिक बोलते हैं, एक सिचुएशन होती है जिसको हम हाइपोटॉनिक के नाम से जानते हैं। आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक और हाइपोटॉनिक, तीन सिचुएशन है। तो अगर कभी भी किसी सेल की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता कम हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको वापस से उसके अंदर चीजों को फिल करते हैं और फिर से उसको दोबारा उसी की शेप पे लेके आते हैं, वरना सेल की डेथ हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर सेल के अंदर काफी जो चीजें हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रही हैं, लेकिन नई नई चीजें जो हैं उसमें आती जा रही हैं, तो सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। जैसे देखो एक बलून है, उसमें अगर आप उसकी क्षमता से कम पानी भरते हो तो वो आपको सिकड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक बलून में आपने उसकी क्षमता से ज्यादा पानी भर लिया है तो वो आपको ऐसे फूला हुआ दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग। क्या बोलते हैं? स्वेलिंग या स्वेल ऑफ द सेल। तो अगर ये सूज गया है, फूल गया है, तब आपका क्या होगा? इसके फटने के चांसेस होंगे। दोनों ही कंडीशन में सेल की डेथ हो सकती है, यानी किसी भी कोशिका की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इस कंडीशन के लिए कोई भी सेल क्या करता है कि अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बाहर से या अपने एटमॉस्फेयर के साथ क्या करता है? हमेशा एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ठीक है? हमेशा कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। अगर इसके अंदर चीजें कम हो रही हैं तो ये बाहर से लेना शुरू करेगा और अपनी कंसंट्रेशन या सांद्रता को मेंटेन करेगा, ठीक है? अगर इसके अंदर चीजें ज्यादा हो रही हैं तो ये अपने अंदर से चीजों को बाहर भेज देगा, दैट इज मूविंग इन एंड मूविंग आउट, राइट। मूविंग आउट एंड मूविंग इन, अंदर आना और चीजों का बाहर जाना। इसी सिचुएशन को हम हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक के नाम से जानते हैं। अगर सेल सूज गया है तो बोला जाएगा हाइपरटॉनिक, यानी कि ज्यादा। अगर हम बोलेंगे कि सेल सुकुड़ गया है तो बोलेंगे हाइपो। अगर सुकुड़ गया है तो ये बाहर से चीजें लेगा, फूल गया है तो अपने बाहर में चीजें दे देगा। जैसे किशमिश, किशमिश को या छुआरे को या मुनक्के को आप पानी में भिगो के रख दो और 2-4 घंटे के बाद आप देखते हो क्या कि वो किशमिश और छुआरा एकदम फूल जाता है और ऐसे सूज जाता है ना, वो क्या हुआ? उसने अपने अंदर जो है वो पानी भर लिया और जैसे ही पानी भरा वो सूज गया। अगर आप उसी किशमिश छुआरे को धूप के अंदर रख दो, उसका पानी सिकुड़ जाएगा और वो फिर से छोटा सा हो जाएगा, समझे आप? ये होता है मूवमेंट इन मूवमेंट आउट। अब इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि बाहर जो भी चीज है उसको उठा लो या बाहर जो भी पानी है उसको उठा लो, नहीं। आपको क्या करना पड़ता है इस चीज के लिए? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य, यानी कि सेमी परमिएबल। जो चीजें नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, उनको चेक किया जाएगा तभी वो अंदर आएंगी, अदरवाइज वो चीजें अंदर नहीं आएंगी। ये होता है हमारा सेमी परमिएबल नेचर ऑफ द सेल, राइट। सेमी परमिएबल नेचर ऑफ द सेल, ये करके आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है? समझ आ गया ये सारी चीज? कहीं पे किसी को दिक्कत है तो इसको इतना ही समझना है, ज्यादा है इसको हम समझेंगे नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ इतना ही समझेंगे क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको सेमी परमिएबल वर्ड जो है वो पूछा जाएगा, बस। फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन आपके एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़े से डॉल्फिन या एलिफेंट के अंदर भी मौजूद होता है। अच्छा, इस धरती के ऊपर सबसे भारी और सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, बताइए? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे ब्रह्मांड को अगर हम मिला दें तो सबसे भारी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कौन सा है, जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल, आंसर्स के लिए मैं आपकी चैट ऑफ कर रही हूँ, बताइए। अरे कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी से आंसर बताइए जो मैंने पूछा है। इस ब्रह्मांड के ऊपर सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? वेल या डॉल्फिन या अफ्रीकन एलिफेंट, बताइए। ऑस्ट्रिच इज द बर्ड, ऑस्ट्रिच इज द बर्ड।
ऑस्ट्रिच जो है वो हमारी सबसे बड़ी चिड़िया होती है, चिड़िया बिना उड़ने वाली। तो बर्ड की मैं बात, मैंने आपको बोले पूरा ब्रह्मांड मिला लीजिए। डॉल्फिन कहाँ से, जाइंट स्क्विज का वेट, अच्छा ये भारी मैंने बोला है तो हम वेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। जाइंट स्क्विड की लंबाई होती है बहुत ज्यादा, लेकिन उसका वजन इतना नहीं होता है। जाइंट स्क्विड, स्क्विड बहुत लंबी होती है। किसी ने आंसर दिया है तो बहुत अच्छे से आंसर दिया है, यानी कि जाइंट स्क्विड किसने आंसर दिया था, बेहतरीन, मतलब चीजें एटलीस्ट आपको याद है। देखिए वेल जो होती है ना, अब आप में से कोई मुझे एग्जैक्ट वेल बता सकता है, कौन सी वेल? नहीं, वेट की हम बात कर रहे हैं तो वेट की बात में भी वेल ही आपका आंसर आएगा, नथिंग एल्स, राइट। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कौन सी वेल, कौन सी वेल? एग्जैक्टली, काफी लोग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, और यस बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट, मतलब क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। पूरा नाम याद रख लीजिए, ब्लू सल्फर वेल, ठीक है, ब्लू सल्फर वेल पूरा नाम। ब्लू सल्फर वेल जो है ये आपकी दुनिया की या इस ब्रह्मांड की, मतलब ब्रह्मांड होगा यूनिवर्स थोड़ा ना, ये हमारी पृथ्वी की, ठीक है। हमारी पृथ्वी पे अगर मौजूद सबसे भारी कोई भी चीज है तो वो है ब्लू सल्फर वेल। और इसका वजन जो है वो कितना होता है, आप में से कई लोग जो है ना वो अफ्रीकन एलिफेंट भी आंसर दे रहे थे, है ना, तो वो लोग भी देखिए बहुत इंटेलिजेंट तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो लैंड एनिमल सबसे बड़ा है, यानी कि अगर मैं पृथ्वी पे जलीय जीव की बात करूंगी तो ब्लू सल्फर वेल हो गया, है ना। और अगर मैं सिर्फ थलीय पूछूं आपसे, थलीय थलीय यानी कि जो लैंड पे पाए जाते हैं, तब आपको यहाँ पे ब्लू सल्फर, ये अफ्रीकन एलिफेंट याद रखना है। अब इन दोनों का अगर मैं आपसे अनुपात या रेशियो की मैं बात करूं यहाँ पे, तो रेशियो इतना है कि 5 अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर एक ब्लू वेल होती है, और एक अफ्रीकन एलिफेंट का जो वजन होता है वो लगभग लगभग 500 टन बोला जाता है, ठीक है, 500 टन। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा याद रखिए, 5:1 का, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, 5:1 का रेशियो होता है यहाँ पे। जुलकरनैन, बिल्कुल 5:1 का रेशियो है। हालांकि ब्लू सल्फर वेल जो है वो इस अर्थ पे मौजूद सबसे बड़ा जीव है। अच्छा, कई लोग आंसर ऑस्ट्रिच कर रहे थे, तो ऑस्ट्रिच के लिए याद रखिए कि ऑस्ट्रिच जो है ना वो ये चिड़िया सबसे बड़ी है, यानी कि अगर आपसे लार्जेस्ट बर्ड बोला जाए, लार्जेस्ट बर्ड, लार्जेस्ट या हैवीएस्ट जो है ना बर्ड बोला जाए, तो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बर्ड जो है वो कौन सी है, हमारी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग इसको बोलते हैं ना, इसका एग भी, यस, इसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल बोला जाता है, सबसे बड़ा सेल। ये फ्लाइटलेस बर्ड होती है, क्या होती है, ये होती है फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कि ये उड़ नहीं सकती है, लेकिन इसकी टांगे ही होती हैं कम से कम। देखो ये पूरी जो चिड़िया है ना, वो चिड़िया कम से कम पूरी की पूरी 9 फीट की होती है, ठीक है, 9 फीट की चिड़िया, इमेजिन। 6 फीट का तो मैक्सिमम आपने जनरली चलते फिरते 6 फीट का आदमी दिख जाता है। 6 फीट की तो चिड़िया की सिर्फ और सिर्फ इस चिड़िया की क्या होती हैं, टांगे होती हैं, इतनी बड़ी तो सिर्फ उसकी टांगे टांगे हैं, और उसके बाद 3 फीट में ना जो उसकी है ना वो बॉडी होती है, राइट। तो ये भी याद रखिए, यहाँ पे 9 फीट करके, 9 फीट जो है वो इस पूरी चिड़िया की लंबाई ऊंचाई, मतलब ऐसा करके। दूसरा चीज याद रखिए यहाँ पे कि जो ये यहाँ पे हम बोले कि इसके हिसाब से ना, मतलब इसकी पैर इतने लंबे हैं तो ये भागता भी तेज होगा। कितना भागता है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग लेता है। तो एक शुतुरमुर्ग की एवरेज है ये, एवरेज, उससे काफी तेज ये भाग सकता है। शुतुरमुर्ग जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना भाग सकता है। इसके अलावा एक फ्लाइट बर्ड भी थी जो अभी बिल्कुल खो चुकी है, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, अब यहाँ पे कहीं भी नहीं आता है, बस हमारी इंग्लिश इंग्लिश की लिटरेचर की किताबों में उस चिड़िया का नाम रह जाता है, अदरवाइज हमारे पास उस चिड़िया के कोई भी एविडेंसेस नहीं है। तो हमारे पास याद रखिए ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाइट लेस बर्ड सबसे बड़ी है, या सबसे बड़ी है, राइट। हमिंग बर्ड, बिल्कुल देखिए हमिंग बर्ड भी, चलिए हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटी चिड़िया है इस दुनिया में। अगर कोई चिड़िया, चिड़िया की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो दुनिया में सबसे छोटी चिड़िया करके बोली जाती है, और हमिंग बर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो एकदम उल्टी चल लेती है, ठीक है, उल्टी चल लेती है, मतलब अपनी उल्टा उड़ लेती है, बैकवर्ड फ्लाई, एग्जैक्टली, बैकवर्ड फ्लाई या रिवर्स फ्लाई। अच्छा,
बैकवर्ड, और इसको समझ रहे हो ना, उल्टा मतलब कैसे, घूम के उल्टा नहीं, वो जैसी है वैसे उल्टा उड़ने लग जाती है। और स्मॉलेस्ट बर्ड है ये, कितनी छोटी सी चिड़िया होती है, आपकी उंगली की जो टिप होती है ना उसके बराबर होती है ये चिड़िया। तो स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो आप लोग को, हमिंग बर्ड मेरे ख्याल एनटीपीसी ने अभी पिछले एग्जाम्स में एक बार पूछ लिया है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो हमिंग बर्ड, लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच बर्ड, लार्जेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ इज ब्लू सल्फर वेल, और सबसे इंटेलिजेंट एनिमल कौन सा है यहाँ पे, तो डॉल्फिन करके याद रखिए। डॉल्फिन इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन दिस अर्थ, इवन इट इज डॉल्फिन जो है वो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है डॉल्फिन। डॉल्फिन का जो ब्रेन होता है ना वो काफी दूर, माइल्स की जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब उसके जो सेंस ऑर्गन है ना वो इतने एक्टिव हैं कि कई माइल्स की आवाज जो है ना वो भी सुन सकते हैं, मतलब अगर दूसरे ओशन में भी कुछ हलचल हो रही होगी ना तो भी उनको सुनाई दे सकता है। एंड एग्जैक्टली अमित, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ना वो भी डॉल्फिन को क्लियरली सुनाई देती हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। बाकी इस क्लास में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ना साइंस के जो फैक्ट्स हैं वो कराने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका कहीं भी जो भी हम टॉपिक करेंगे ना उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह जो होंगे वो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है ये, वी ओनली टेक अ क्लास, नहीं नहीं आप अगर दोनों क्लास लोगे तो ही काम चलेगा। देखिए इसमें कोई, अब मैं आपको इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, आपको दोनों क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी तभी आपका ग्रुप डी और एसएससी का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनका सिलेबस हो पाएगा। जिनकी एग्जाम 3 6 7 महीने के बाद है वो एक ही जगह देखिए, उनकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्जाम एसएससी या ग्रुप डी का है तो आपको सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ओके, सेमी फ्लूइड करके या क्वासी फ्लूइड करके बोलते हैं। उसके अलावा फंक्शंस की मैं बात करूं तो ये सेल के कॉम्पोजिशन की बात करता है यहाँ पे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस सेल के अंदर जो हो रहा है, यानी कि परासर, प्रसार और परासरण, ये दो चीजें जो हैं वो हमारी मेंटेन किसके द्वारा की जाती हैं, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही मेंटेन की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से आगे जो है वो हम सेल वॉल की बात करेंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सबसे पहले याद रखिए कि जो हमारी कोशिका भित्ति होती है वो हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो सिर्फ एक चीज याद रखिए कि सेल वॉल जो है वो पौधों में पाई जाती है, जबकि सेल वॉल एनिमल्स में यानी कि जंतुओं में पाई नहीं जाती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने रिपीट किया, हर जगह मौजूद होती है, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक ब्लू वेल तक में भी मौजूद होगी, लेकिन कोशिका भित्ति या सेल वॉल जिसको आप जानते हो, भित्ति जो हम कोशिका की कहते हैं, वो सिर्फ कहाँ मौजूद होती है, सिर्फ और सिर्फ पौधों में। सबसे इंपॉर्टेंट ये और प्लास्टिड, ये दो चीज ऐसी हैं जो सिर्फ पौधों में पाई जाती हैं, बाकी किसी भी चीज में नहीं पाई जाती हैं, बराबर है। दूसरी चीज, ये सेल वॉल जो है वो कैल्शियम की बनी होती है और कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कैल्शियम पैक्टेट की। कैसे याद रखना है, अब देखो आप सेल्यूलोज तो याद रखे हो, आप कई सारे बच्चों को ना सेल्यूलोज जो है वो याद रखे हो, ठीक है। अब सेल्यूलोज के अलावा आप ये भी याद रखो कि ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट, याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे, और इसके कई सारे लेयर होते हैं, जैसे मिडल लैमिला है, या आपसे पूछे एग्जाम में कि कभी भी आपसे अगर ये पूछा जाए कि मिडल लैमिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एसएससी ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है मेरे ख्याल, तभी एकदम से स्ट्राइक किया है, मिडल लैमिला जो है ये सेल के किस हिस्से का भाग होता है ना, तो मिडल लैमिला आप याद रखिएगा, मिडल लैमिला जो है वो हमारे किसके हिस्से का भाग होता है, सेल वॉल का, यानी कि कोशिका भित्ति का यहाँ पे भाग होता है, ठीक है। सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल अगर ये पौधे में मौजूद है तो ये क्या कर रही है, ये पौधे को प्रोटेक्शन दे रही है, एनिमल्स प्रोटेक्शन सेल की अपने आप कर लेते हैं, उनको सेल वॉल की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए सेल वॉल जो है ना एक सीमेंट की तरह हो गई, जैसे ईंट लिया, आप ईंट की एक वॉल बना दो और उसके बाद सीमेंट जो है ना उस पे लगा दो, तो जो सीमेंट है वो एकदम टाइट हो जाता है, बीच बीच में आप उसमें कुछ गैप रख दो ताकि जो सेल है ना
वो अपनी सेल मेम्ब्रेन या अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर सके। तो ये सेल को एक तो शेप भी दे रही है, दूसरी चीज ये सेल की स्ट्रेंथ जो है उसको प्रोवाइड कर रही है, यानी कि शक्ति या क्षमता जो है वो प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। तीसरी चीज ये मूवमेंट जो है उसको अलाउ कर सकती है, तो यानी कि सेल की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ये मेंटेन करेगी। और चौथी चीज ये अपने को खुद से रिपेयर भी कर सकती है और रीजनरेट भी कर सकती है। ये चीज याद रखिए यहाँ पे, सेल वॉल या कोशिका भित्ति करके आपको याद रखना है किस चीज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज आप रफली याद रख लेते हो, लेकिन आप कैल्शियम पैक्टेट करके याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। कैल्शियम पैक्टेट इतना चीज हो गया। अब जरा सेल के अंदर घुस जाते हैं। सेल के अंदर घुस के सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर में पहले हम जाएंगे, तो रेड हेडक्वार्टर की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर आ रहा है उस स्ट्रक्चर को समझो। इस वाले पूरे पार्ट में हमने सेल के अंदर ऑरेंज कलर का जो बनाया है वो हमारा क्या है, वो हमारा देखिए सेल वॉल अलग अलग चीजों की बनी होती है, कई सारी चीजों की बनी होती है। जैसे अगर आप फंगस बोलते हो तो उसमें काइटिन या चिटिन की बनी होती है, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया बोलते हैं तो सिर्फ सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो यही जो है वो कैल्शियम पैक्टेट की बन जाती है। तो सिर्फ तीन आप याद रख लीजिए, काइटिन या चिटिन बोला तो कवक यानी कि फंगस जो है उसमें पाया जाता है, सेल्यूलोज बोला तो पौधे हो गए, सेल्यूलोज बोला तो सॉरी बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया में सेल्यूलोज की होती है ये जो वेल वॉल वगैरह अगर मौजूद होती है, तो कैल्शियम पैक्टेट हो गया, तो ये हमारा कहाँ पे मौजूद हो गया, प्लांट्स के अंदर, राइट। चलिए न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को हम हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस हमारा क्या बोला जाता है, हेडक्वार्टर। और डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। 1830 एल्गी सिंपल प्लांट्स होते हैं, इनकी सेल्यूलोज की ही बनी होती है, ठीक है। एल्गी सिंपल प्लांट होते हैं तो सेल्यूलोज का ही बना होता है। अब जरा न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। पहले तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर में आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अगर हम किसी भी सेल को अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है, तो ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है सिर्फ हमने देखो इसके अंदर जो आपको ये डिटेल दिख रहा है ना, ये इतना पार्ट दिख रहा है सिर्फ इतना, ठीक है। सेल पूरा नहीं दिख रहा है, ये आपको सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है। तो जरा इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखो, ये छोटे छोटे साइड में जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये सारी चीजें ये आपकी क्या बोली जाती है, ये आपकी बोली जाती है सेल वॉल, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहां से ओरिजिनेट कर रही है, ये कर रही है ओरिजिनेट आपकी इस वॉल से, ठीक है, इस वाली वॉल से, यानी कि न्यूक्लियस की वॉल से, न्यूक्लियस की भित्ति से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट करता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये सेल की जो आपको समझनी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो हमारी जो न्यूक्लियस होती है ना उसी की वॉल से हमारे पास ईआर निकलता है। तो अगर ईआर निकल रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं होता तो ईआर भी नहीं होता, ऐसे लर्न करिए। इसके अंदर देखो जो आपका ये से धागे धागे की तरह नजर आ रहा है ना, ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सॉरी डीएनए, डीएनए ऐसा करके आपका ये जो पार्ट्स में इस तरीके से जो नजर आ रहा है ना, ये आपका है ये डीएनए जो मैंने अभी रेड से मार्क किया, एकदम धागे की तरह। जैसे आपने देखा है ना अपनी मम्मी को ऊन का स्वेटर बनाते हुए, तो अगर उस ऊन को आप लो और ऐसे ऐसे करके उसको हैफजर्ड कर दो, बिल्कुल उसको ऐसा फैला दो पूरा, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है भैया। क्या हो गया, हाँ जिस तरीके की आपको, अच्छा दिखाई दे रही ना क्लास, जिस तरीके की आपको चीज नजर आएगी वो आपका क्या बोला जाएगा, डीएनए। और डीएनए के अंदर आपको क्या नजर आएगा, न्यूक्लियोलस, क्या नजर आएगा, न्यूक्लियोलस। तो पहले बताओ आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ आ गया, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर समझ आ गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे बना देती हूँ आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ताकि आप इसको थोड़ा सा ना और अच्छे तरीके से समझ लो। देखो ये है पूरा सेल, सेल के अंदर ये पूरा सेल है यहाँ पे, और सेल के अंदर जो है ना आपका न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। सिंगल पेज पे गोल फिर से बनता है, वैसे नहीं बनता है ना। अब यहाँ पे मैंने बना दिया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे हमारे पास होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, अंदर में न्यूक्लियोलस। ये वाला जो पार्ट है ना इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट में अंदर की तरफ हमारा यहाँ पे डीएनए रखा हुआ है, डीएनए ऐसे धागे की तरह। कहाँ दिक्कत है भैया, कहाँ दिक्कत आ रही है,
हाँ जी नेट सच गड़ी बड़ी कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है ना ये हमारा क्या हो गया, ये जो है ना ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, ये डीएनए। तो डीएनए ऐसे धागे की तरह ना पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैला होता है। तो न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ना वो दो आपको याद रखने हैं, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है। हाँ आज बफरिंग हो रहा है, आई अग्री, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपके यहाँ पे, हाँ ऑमलेट जैसा लग रहा है, ठीक है ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। पहले तो याद रखिए न्यूक्लियस क्या करता है, अपने अंदर डीएनए को संभाल के रखता है, ठीक है डीएनए को अपने अंदर संभाल के रखता है, एक चीज ये याद रखिए। दूसरी चीज, ये न्यूक्लियस हमारे सेल को डिवाइड करने में मदद करता है, यानी कि जो कोशिका की जो विभाजन होती है, कोशिका की जो सेल अगर अब टूटेगा आगे जाके तो क्या होगा, यहाँ पे सेल आगे जाके टूटने के बाद उसको मदद कौन करता है, उसको हमारा जो न्यूक्लियस है वो मदद करता है। तो डीएनए को स्टोर करने के लिए, यानी कि डीएनए को संभाल के रखने के लिए, और कोशिका के विभाजन में न्यूक्लियस मदद करता है। उसके अलावा तीसरा यूज आपको याद रखना है कि जितने भी इस सेल को एंजाइम्स बनाने होते हैं, ठीक है जितने भी इस सेल को एंजाइम्स बनाने होते हैं, उसके अलावा इस सेल को जितनी भी चीजें सेल डिवीजन के लिए, डीएनए के लिए, प्रोटीन के लिए, ये सब जो चाहिए होता है ना वो न्यूक्लियस बनाता है। यानी कि इस पूरे सेल का जो मेन पार्ट है ना वो हमारा न्यूक्लियस है। एंजाइम्स बनाना, सेल को डिवाइड करना और डीएनए को स्टोर करना, इसीलिए इसको हेडक्वार्टर बोला जाता है, क्योंकि ये सारी कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, इसलिए इसको ब्रेन भी कहा जाता है। आर यू क्लियर विद दिस गाइस? बताइए इतनी चीज क्लियर हुई? 75 मिलियन डीएनए, ये कौन सा डाटा है? थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा, चलिए एक दो बार करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। अरे तो जब मैं दोबारा पढ़ा रही हूं एकदम नए तरीके से तो पुरानी प्लेलिस्ट क्यों देखनी है? YouTube अकाउंट, YouTube अकाउंट मेरा अलग से नहीं है, आप वाईफाई स्टडी चैनल पे आ जाइए सुबह 8:30 बजे, वहां पे साइंस का सेल वाला चैप्टर पढ़ रहा है। एंड यस आपको अन अकेडमी और वाईफाई स्टडी दोनों पे करना पड़ेगा, तभी मैं देखो आप एक जगह पढ़ लो, आपकी आपके ऊपर, आप एक जगह पढ़ लो लेकिन फिर सिलेबस नहीं कवर हो तो फिर आप मुझे मत बोलिएगा। मैंने आपको पहला ही बता दिया है आधा सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं ऑन दी यूट्यूब, एंड आधा सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं ऑन दी अन अकेडमी। तो अगर आप में से कोई एक जगह ना एक ही जगह देखेगा क्लास तो आपको नहीं फिर सिलेबस समझ नहीं आएगा। राइट यस, मॉर्निंग 8:30 to 9:30 AM ऑन दी वाईफाई स्टडी चैनल। राइट YouTube पे क्लास होएगा, YouTube पे क्लास चल तो रहा है, YouTube पे क्लास चल रहा है, अनअकैडमी पे भी चल रहा है, सुबह शाम चल रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत लग सकती है, एक दो क्लासेस में आपके पास चीजें जो है ना हो जाता है यहाँ पे। नहीं नोट्स कहाँ बात कर रहे हो भैया, ये राकेश मीना कितना नोट्स बनाओगे तुम, कहाँ लेके जाओगे नोट्स को, है ये बताओ? एरोप्लेन बनाओगे, उनपे चने रख के खाओगे नोट्स? अरे कहाँ नोट्स बनाने की दिक्कत आपको, जब मैं बोल रही हूँ आपको नोट्स बनाने ही नहीं है, आपको जो मैं क्लास में कराऊँ वो करो, नहीं जी हमें तो नोट्स ही बनाने। ये कोई देखो नोट्स वाला जमाना चला गया है, हालांकि थोड़ा बहुत अपने हाथ चलाने चाहिए, जैसे मैं बोलती हूँ तो अपने साथ साथ हाथ चलाते जी, ऐसे नहीं लेट के आराम से रिलैक्स होके बिल्कुल सोफा पे चौड़े होके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, पेपर पेन लेके सीरियसली पढ़ना है, ठीक है? लेकिन द पॉइंट इज दिस कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उसका एक एक नोट्स बनाओ। अगर मैं नोट्स आपको बनाना है तो फिर मैं पीडीएफ ना दूं ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। कल की क्लास में मैं न्यूक्लियस वाले पार्ट को यहाँ पे स्टार्ट करूंगी। न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो आपका कल खत्म होके हम थोड़ा से सेल वगैरह जो चैप्टर है वो लंबा टाइम लेते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ये चैप्टर्स हल्का सा लंबा टाइम लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें हमने एक भी पॉइंट को मिस कर दिया ना देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पता लगे जो मैंने मिस किया हो वही एग्जाम में आ जाए तो फिर वहां पे बैठ के बोलो अरे मैडम ने तो, इस मैडम ने तो कुछ कराया ही नहीं, ये गड़बड़ हो गया। तो ये चार सारी चीजें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला है यहाँ पे कि आप प्लीज करके सारी क्लासेस देखिए और थोड़ा आराम से करने दीजिए, अगर एक आधी मैंने एक आधी चीज मिस कर दी ना तो आप लोग के लिए गड़बड़ हो जाएगा, बाकी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये वाली जो पीडीएफ है आप विद नोटेश इन विद एनोटेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है विद एनोटेशन, यानी कि जो मैंने लिखा है वो भी आपके पास आएगा। राइट
केमिस्ट्री की क्लासेस और फिजिक्स की क्लासेस जो है उसका मैं टाइम टेबल बहुत जल्दी आप लोग के लिए शेयर करने वाली हूँ कि कब से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो शुरू करेंगे। तो पैरेलल क्लासेस हैं, ठीक है। अभी 7 बजे आपकी यूट्यूब पे स्टैटिक जीके की क्लास है, तो आज जो है वो हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच, कल 8:30 बजे आ जाइए। आज के लिए थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो एट दिस क्लास ओनली एंड 8:30 पे यूट्यूब पे। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स जो भी चीजें हैं, क्लासेस कब शुरू होने वाले हैं, प्लस कब शुरू होने वाला है, ये सारी चीजें लेट्स डिस्कस इन अनदर क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।